आज के इस वीडियो में हम गांधार शैली के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मथुरा शैली के बारे में अध्ययन किया था और हमने देखा था कि मूर्तिकला की दो शैलियां हैं, मथुरा शैली और गांधार शैली। गांधार प्रदेश से बहुत बड़ी मात्रा में बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। गांधार में बौद्ध धर्म का प्रवेश अशोक के समय में हो गया था। इसके बाद विदेशी शासकों ने बौद्ध धर्म को अपना कर उसके प्रसार में योगदान दिया। यवनों के बौद्ध मूर्ति धर्म में रुचि अशोक के समय से ही सुविदित है। मिलिंडर के समय तक बौद्ध धर्म गांधार में अपने जड़े जमा चुका था। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक शक और कुषाण शासकों ने बौद्ध धर्म में रुचि प्रकट की। ईसवी सन की पहली शती में कुषाण सम्राट कनिष्क की बौद्ध धर्म में रुचि सुविदित है। उसने न केवल पेशावर में बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया बल्कि अपने मुद्रा पर भी बुद्ध की मूर्तियां उत्कीर्ण करवाई। अनिश के समय में ही बौद्ध चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ और उसके बाद ही महायान बौद्ध धर्म ने अपना स्थायी रूप ग्रहण कर लिया। अनिश के समय में स्वात की घाटी और गंधार में बौद्ध धर्म बहुत लोकप्रिय था। इस समय यहाँ के अनेक बिहारों में बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु रहते थे। संपूर्ण प्रदेश में अनेक स्थानों पर स्तूप बने हुए थे लेकिन वर्तमान में इनमें कोई भी अपने मूल में विद्यमान नहीं है। इस प्रदेश के जलालाबाद, हडा, बामियान, चारसदा, पेशावर, तक्षशिला, साहजी की ढेरी, पलतू ढेरी, सहरी बैलोल जैसे स्थानों से प्राचीन स्तूपों और बिहारों के अवशेषों से बड़ी संख्या में बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां हमें मिली हैं। गांधार से प्राप्त बौद्ध प्रतिमाएँ नीले शीष्ट पत्थर या भूरे स्लेटी पत्थर से निर्मित हुई है। तीसरी शताब्दी ईस्वी में कुछ प्रतिमा स्टक्को यानी चूना मिट्टी में गच्छकारी के द्वारा भी बनाई गई थी। गांधार प्रदेश से प्राप्त होने के कारण मूर्तियों की परंपरा को गांधार परंपरा कहा गया है। बुद्ध मूर्तियां गांधार से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमाओं में बुद्ध को खड़े हुए या पद्मासन में बैठे हुए दिखाया गया है। बैठे हुए बुद्ध का शरीर प्राय उत्तरी यानी संघाटी से ढका हुआ है। उनके बालों की रेखाएँ पीछे की ओर लहराती हुई चली गई है। उनकी दृष्टि अंतर्मुखी नहीं है अर्थात दोनों आँखें खुली हुई है। बुद्ध के मुख पर हल्की मूछें हैं और सिर के पीछे बोधि वृक्ष के स्थान पर स्थानीय वृक्ष की पत्तियां बना दी गई है। बुद्ध के मुख पर तेज का अभाव है। शिल्प की दृष्टि से यद्यपि खड़ी मूर्तियां अधिक सुगढ़ है लेकिन वे भी विशेष प्रभावशाली नहीं है। ये मूर्तियां प्राय 4 से 8 फीट ऊँची तक ऊँची है। प्राय सभी मूर्तियों में बुद्ध के दोनों कंधे संघाटी से ढके हुए हैं। बुद्ध का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और सिर के पीछे सादा प्रभा मंडल बनाया गया है। इस दृष्टि से हस्तनगर से प्राप्त बुद्ध प्रतिमा में बुद्ध सीधे खड़े हुए हैं। उनका मुख अंडाकार, हल्की मूंछ और सिर पर उष्णीज बनाया गया है। लोरियाई तंगई से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा देखने में तो इसी प्रकार की है लेकिन संघाटी के सलवटों की मोटाई और सघनता के कारण अपेक्षा प्राचीन लगती है। सहरी बैलोल से प्राप्त बुद्ध की खड़ी प्रतिमा अपनी शैलीगत विशेषता कारण बहुत प्रसिद्ध है। गांधार प्रदेश से बोधिसत्वों की अनेक प्रतिमाएं प्राप्त हुई जिनमें मैत्रेय और अवलोकितेश्वर की मूर्ति अधिक है। उनका शरीर मानसल और आकार का दावर दिखाया गया है। बोधिसत्व प्राय राजसी पोशाक, सिर पर मूर्तियों से अलंकृत शानदार पगड़ी, कमर में भारतीय ढंग की धोती, गले में मोतियों का हार तथा पैरों में यूनानी ढंग के जूते पहने हुए किसी राजकुमार के समान लगते हैं। बुद्ध की स्वतंत्र मूर्ति के अतिरिक्त गंधार से कुषाण कालीन स्तूपों के चारों ओर लगे हुए ऐसे शिलापट भी हमें मिले हैं जिन पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं का रिलीफ में उकेरा गया है। इन शिलापटों पर जातक कथाओं को कम स्थान मिला है परंतु बुद्ध के जीवन की छोटी छोटी घटनाओं को भी बड़ी कुशलता से प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर बुद्ध की अलौकिकता को विस्तार के साथ अंकित करने के प्रयास में माया देवी का स्वप्न, उनका कपिलवस्तु से लुम्बिनी जाना, बुद्ध का जन्म लेते ही 7 पग चलना, प्रथम स्नान, लुम्बिनी से कपिल वस्तु लूटना आदि घटनाओं का ही नहीं बल्कि बुद्ध का पाठशाला जाना, उनके लिपि ज्ञान, मल्लयुद्ध और बाण विद्या की परीक्षा, विवाह यात्रा, यशोधरा के साथ विवाह, देवों की संसार त्याग के लिए बोधिसत्व से प्रार्थना, राजप्रसाद में बुद्ध का जीवन, ग्रह त्याग, उष्णीश और आभूषण ग्रहणकर्ता और छंदक, उपवास करते हुए बोधिसत्व अनाथ पिंडक द्वारा बुद्ध को जेतवन का ध्यान इत्यादि सभी घटनाएं बड़ी सूक्ष्मता से उकेरी गई हैं। यहाँ पर इन दृश्यों में घटनाओं का महत्व दिखाया गया है। मूर्तियों के हाव भाव में न तो सांची जैसा जीवन है न अमरावती जैसी मोहकता, इसलिए मूर्ता घटनाओं की यांत्रिक प्रस्तुति दिखाई देती है। गंधार की मूर्तिकला शैली की दृष्टि यथार्थवादी है। यवन कला के प्रभाव से इस कला का मुख्य ध्येय जगत की वास्तविकता का प्रदर्शन था।
प्राचीन यवन कला में युवा शरीर का प्रदर्शन आदर्श माना जाता था, इसलिए गांधार के बौद्ध मूर्तियों में भी बुद्ध को देवता के स्थान पर एक मांसल राजकुमार के रूप में बनाया गया है। बुद्ध के मुख को यूनानी देवता अपोलो के मुख के समान युवा दिखाने का प्रयत्न किया गया है। कला की दृष्टि से मूर्तियाँ तकनीक में यवन होते हुए भी लक्षणों की दृष्टि से भारतीय हैं, अर्थात बुद्ध मूर्ति के प्रदर्शन में उनके सिर पर उष्णीश, मस्तक पर उणा, हाथ और पैरों के तलवों पर महापुरुष लक्षण, शरीर को ढकते हुए दोहरी संगाठी, अभय मुद्रा, योगासन, सिंहासन, सिर के पीछे प्रभाव वली जैसी भारतीय लक्षणों का प्रयोग किया गया है। गांधार का कलाकार बुद्ध के देवत्व को समझने में असफल रहा, इसलिए बुद्ध के केश यद्यपि उष्णीश से बंधे हुए परंतु वे घुंघराले न होकर यूनानी शैली में पीछे की ओर बंधे हुए हैं और केशों की रेखाएं लहर के समान गतिमान है। बुद्ध के चेहरे पर मूछें दिखाई गई हैं। बुद्ध को ध्यान मुद्रा में दिखाए जाने पर भी उनके दोनों नेत्र खुले हुए हैं। परिणाम स्वरूप बुद्ध योगी ने लगकर साधारण युवा प्रतीत होते हैं। साधारणतः बुद्ध को एक पीठिका पर बैठे हुए दिखाया गया है। गांधार की कला में बुद्ध और बोधिसत्व को शब्द शय प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। उदाहरण के लिए धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध को यथार्थ में दाहिने हाथ से चक्र चलाते हुए दिखाया गया है। इसी प्रकार संबोधि के पहले तप करते समय जब बुद्ध का शरीर क्षीण हो जा गया था, उस स्थिति को दिखाने के लिए गांधार के कलाकार ने बुद्ध को कंकाल मात्र दिखाया है। इसी प्रकार बोधि वृक्ष के रूप में पीपल के स्थान पर किसी स्थानीय वृक्ष का अंकन कर दिया गया। यहाँ पर कमल का स्थान ताड़पत्र या मुचकुंद के पुष्प की आकृति ने ले लिया है। शाल भंजिका के स्थान पर वहाँ यूनानी वेशभूषा में खड़ी नर्तक की दिखाई देती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गांधार का कलाकार भारतीय अभिप्राय और लक्षणों के मर्म को समझने में असफल रहा था। शारीरिक दृष्टि से प्रारंभिक बौद्ध प्रतिमाएं भारी और अनगढ़ दिखाई देती है। उदाहरण के लिए पेशावर से प्राप्त मंजूषा के ढक्कन पर उत्कीर्ण मूर्ति जो कनिष्क के प्रथम वर्ष में बनाई गई थी अपरिष्कृत है। बुद्ध के शरीर की रेखा स्पष्ट नहीं है, केवल लक्षणों से ही इन्हें पहचाना जा सकता है, लेकिन समय के साथ साथ इनमें कुशलता और परिष्कार की अभिव्यक्ति हुई है। मामला ढेरी से प्राप्त मूर्ति अपेक्षाकृत परिष्कृत है। 200 ईस्वी तक गांधार की कला में पर्याप्त परिष्कार हो चुका था। संभवतः मथुरा कला शैली के प्रभाव से अब भारतीय लक्षण अब अधिक स्पष्ट होने लगते हैं। शरीर के अवयव में गोलाई और केशों को घुंघरालू बनाया जाने लगा है। इस प्रकार बुद्ध के नेत्र किंचित झुके हुए बनाए गए हैं। बुद्ध का मुख मूछों से रहित है और उस पर एक प्रकार का कोमल भाव दिखाई देता है। यह हमें याद रखना है कि गांधार कलाकार विदेशी होने के कारण भारतीय देवता के आदर्श को समझ पाने में असफल रहा था। कला में अभिव्यक्ति का संबंध अनुभूति से है। जब तक कलाकार देवत्व का अनुभव नहीं करेगा तो मूर्ति के मुख पर उनका भाव प्रकट होना कैसे संभव है। यवन शिल्पी यूनानी देवता के बलिष्ठ और युवा शरीर के आदर्श से तो परिचित था, लेकिन संबोधि से उत्पन्न करुणाओं को समझ पाना उनके लिए संभव नहीं था। इसलिए गांधार की कला परंपरा में बुद्ध मूर्तियाँ भारतीय आदर्श और लक्षणों के आधार पर यूनानी या यवन तकनीक का प्रतिबल दिखाई देती हैं। गांधार की बुद्ध मूर्तियों में किंचित यवन प्रभाव और परिवेश को देखकर फूशे जैसे यूरोपीय इतिहासकारों ने विचार व्यक्त किया कि गांधार के कलाकार पहले से ही यवन देवताओं की मूर्तियाँ बना रहे थे, या उन्होंने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में यवन देवता अपोलो के अनुकरण पर बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण किया। दूसरे शब्दों में पहली बार गांधार में बुद्ध की प्रतिमा अपोलो का भारतीयकरण करके बनाई गई, किंतु हमारे विचार से अपोलो की प्रतिमा में ऐसा कुछ नहीं है जिसके भारतीयकरण के द्वारा उणा, उष्णीन, बोधिसत्व, अहम मुद्रा, पद्मासन, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, महापुरुष लक्षण और संगाठी बनाए जा सके। वास्तव में इन सभी लक्षणों से युक्त बुद्ध का स्वतंत्र स्वरूप नितांत भारतीय अवधारणा है। इस संबंध में केवल यह कहा जा सकता है कि यवन कलाकारों ने बुद्ध के भारतीय आदर्श को यूनानी परिवेश में प्रस्तुत किया है, इसलिए फूशे के इस विचार को त्याग दिया गया कि गांधार प्रदेश में सबसे पहले यूनानी कलाकारों ने बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया था। गांधार कला की विशेषताओं के अंतर्गत हम देखते हैं कि गांधार की बुद्ध मूर्तियाँ नीले शिष्ट प्रस्तर, स्लेट पत्थर या गजकारी के काम से पहचानी जाती हैं। इनमें बुद्ध के शरीर को यथार्थवादी शैली में युवा, मांसल और बलिष्ठ दिखाया गया है। बुद्ध के सिर पर लहराते हुए केशों का उष्णीश और मुख पर मूछें बनाई गई, उनके नेत्र खुले हुए हैं। बुद्ध संभवतः ऊन की बनी हुई मूर्ति लेकिन दोहरी संगारी ओढ़े हुए हैं। मूर्ति के सिर के पीछे का प्रभा मंडल सादा है। बुद्ध के अनुयायी और नारी प्रकृतियाँ यवन वस्त्रों में दिखाई देते हैं। बोधिसत्व की मूर्तियाँ यवन राजकुमार की वेशभूषा में दिखाई देती हैं। अधिकांश मूर्तियों में बुद्ध के मुख पर देवत का भाव है।
इस प्रकार जो है हम जो गांधार कला जो है उसके अंतर्गत देखते हैं बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ। इसी के साथ जो है अमरावती में भी जो है शिल्पकला का मूर्तिकला का विकास हुआ।